लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें SS प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कितनी गर्मी है, एसी कब लगवाओगे? अरे एसी तो लगवा लेंगे, लेकिन भारी बिजली का बिल कौन भरेगा? अब एसी के कारण बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी बिल का टेंशन छोड़ो, सोलर एयर कंडीशनर सिंपल लगवाओ, बचत पाओ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800। नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिनफिन सोलर एसी के बारे में। वैसे सिनफिन कंपनी ने काफ़ी मॉडल्स निकाले हैं सोलर एसी के भी, और काफ़ी प्रोडक्ट्स में इन्होंने एंट्री की है। सिनफिन कंपनी ने जैसे सोलर एसी निकाले हैं, डी फ्रिज निकाले हैं और स्टैंडिंग फ्रिज निकाले हैं, उसके बाद इन्होंने इसमें समरसिबल DC समरसिबल निकाले हैं, गीज़र निकाले हैं, वॉल हीटर इन्होंने निकाले हैं और स्ट्रीट लाइट्स में, तो काफ़ी प्रोडक्ट्स में एंट्री की है सिनफिन कंपनी ने। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ केवल सिनफिन सोलर एसी के बारे में, और सिनफिन सोलर एसी में कौन कौन से सीरीज़ निकली हैं उनके बारे में, उनकी डीपली स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उनके प्राइस क्या हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन देने वाला हूँ। इस जैसे मैंने एक्जेल्टा सोलर एसी की एक पूरी सीरीज़ तैयार की थी, वैसे ही मैं सिनफिन सोलर एसी की भी एक पूरी सीरीज़ तैयार करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे सिनफिन सोलर एसी के बारे में। सिनफिन सोलर एसी, सिनफिन ने जैसे मैंने बताया था, सिनफिन ने पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ सोलर एसी प्राइस के बारे में, वो सिनफिन कंपनी का सोलर एसी प्राइस मैंने उस वीडियो में दिए थे। सिनफिन कंपनी ने सोलर एसी में दो मॉडल निकाले हैं, एक ई मॉडल है और एक एस मॉडल है। ई मॉडल का मतलब है जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और एस मॉडल का मतलब है जिनको आप डायरेक्ट सोलर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक्जेल्टा ने भी ऐसे निकाला था, सिनफिन ने भी ऐसे निकाल रखे हैं। सिनफिन सोलर एसी में और जो रेगुलर एसी है उनमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस की। अगर आपका जो रेगुलर एयर कंडीशनर है वो वाटेज लेता है लगभग 2000 वोट वो लेता है स्टार्टिंग लोड उसका जो होता है, लेकिन जो सोलर एयर कंडीशनर है जो सिनफिन का वो लगा केवल 800 वाट। रेगुलर जो एयर कंडीशनर है उसकी जो स्टार्टिंग लोड होता है वो लगभग 2600-2700 वाट तक उसका चला जाता है, लेकिन जो सिनफिन सोलर एसी का, ये सबसे बड़ी बात है कि इसका जो स्टार्टिंग लोड है वो केवल 100 वोल्टेज है। रनिंग एम्पियर जो रेगुलर एसी लेते हैं वो है 7 से 9 एम्पियर, ये जो रनिंग एम्पियर लेगा वो 2 से 4.5 एम्पियर ये रनिंग एम्पियर लेगा। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग आप उसमें नहीं कर सकते, इसमें आपकी 80% तक इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी। जर्क लोड वो उसमें हाई जर्क है, इसमें कोई जर्क नहीं है। कंप्रेसर उसमें रोटरी कंप्रेसर या हर्मेटिक कंप्रेसर्स का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें BLDC कंप्रेसर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। डायरेक्ट सोलर से आप रेगुलर एसी को कभी नहीं चला सकते, लेकिन आप इसको डायरेक्ट सोलर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और आप इसको ये जो इलेक्ट्रिसिटी पर भी चला सकते हैं और बैटरीज पर भी आप इसको चला सकते हैं, ये सोलर एसी की जो कंडीशंस है। अब वो जो यूनिट लेता है वो 10 घंटे में लगभग 16-17 यूनिट लेता है, और ये जो 10 घंटे में यूनिट लेगा ये केवल 5 से 6 यूनिट ही आपका सिनफिन का सोलर एसी लेगा। तो ये था सिनफिन सोलर एसी के बारे में। अब आती है इसमें सेविंग कैलकुलेशंस। अब अगर आप सिनफिन सोलर एसी का ई मॉडल्स लेते हैं, ई मॉडल्स आपका पर आवर जो कंजप्शन करता है यूनिट की वो 0.8 यूनिट कंजप्शन करता है। अगर आप 5-स्टार नॉर्मल एसी का मॉडल लेते हैं वो भी आपका 1.9 तक यूनिट कंज्यूम करता है, और अगर आप 3-स्टार लेते हैं तो लगभग 2 से 2.5 यूनिट के करीब वो 3-स्टार आपका स्टार्टिंग में लोड लेता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप नॉर्मल एसी कूलिंग लेता है उसके बाद उसकी थोड़ी यूनिट कंजप्शन कम हो जाती है, ये उसमें रेगुलर एसी में होता है। लेकिन 10 घंटे की अगर हम यूनिट निकालें तो 10 घंटे में आपका जो सिनफिन सोलर एसी है वो केवल लेगा 5 से 7 यूनिट, और वो जो रेगुलर एसी आपका वो लेता है लगभग 13, 14, 15, 16, 17, 18 के आसपास यूनिट लेगा। अब सिनफिन सोलर एसी ने कौन कौन से मॉडल निकाले हैं? सिनफिन सोलर एसी ने काफ़ी मॉडल निकाले हैं। सबसे पहला इनका है सिनफिन आयुर्वेदा सीरीज। आयुर्वेदा सीरीज इनके बारे में, सीरीज़ के बारे में आगे बताने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियो में। सबसे पहले इनकी आयुर्वेदा सीरीज़ है, उसके बाद इनकी इन्होंने एक सीरीज़ और निकाली है हॉट एंड कोल्ड, जिसमें आप गर्मी और सर्दी दोनों में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड सीरीज़ एक है, मैजिक कूल सीरीज़, और एक इनकी सीरीज़ है रेडी गो सीरीज़, जिसको आप डायरेक्ट सोलर पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये थी सिनफिन सोलर एसी के बारे में, सिनफिन सोलर एसी ने कौन कौन सी सीरीज़ निकाली हैं, उन सीरीज़ के बारे में मैं डीपली स्पेसिफिकेशंस और उनके प्राइस क्या क्या हैं ये मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप सिनफिन सोलर एसी लेना चाहें, वैसे मैं प्राइस बता देता हूं। इनका एक ई मॉडल है, ई मॉडल है ये SWAC 1.5E, आप इसको ले सकते हैं, ये आपको लगभग 47,000 के करीब आपको ये पड़ेगा। तो मैं अभी एक मॉडल का प्राइस बता देता हूँ, बाकी आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि उनकी सीरीज़ कौन कौन सी है, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और उनकी प्राइस क्या क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।